रायपुर में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध आज होने जा रहा है। राज्यसभा में सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा के साथ हुए धक्का मुक्की की घटना को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन रद्द कराएगी। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगी। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस बीजेपी के उठने की सूचना है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, कांग्रेस का आज विरोध देखने को मिलेगा बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने देखा था कि सदन के सत्र में दौरान राज्यसभा में फूलो देवी नेताम, जो छत्तीसगढ़ की बड़ी आदिवासी महिला नेत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, छाया वर्मा भी छत्तीसगढ़ से ही राज्यसभा सांसद है कांग्रेस की, दोनों सदन में मौजूद थे। और उस दौरान जो घटनाक्रम देखने को मिला था उस दौरान, उसको लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक है। और छत्तीसगढ़ में क्योंकि उनकी उपस्थिति सबसे ज्यादा मजबूत है कांग्रेस की, और सांसद भी छत्तीसगढ़ की ही है, महिला सांसद है, आदिवासी सांसद है, लिहाजा जिस प्रकार से इसको लेकर कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया था, दिल्ली में भी प्रदर्शन किया गया था, छत्तीसगढ़ में विरोध जताया गया था, लेकिन आज जो है ये विरोध व्यापक पैमाने पर देखने मिलेगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि लगातार बीजेपी इस मामले पर भी ट्वीट करती रही है और जो कांग्रेस सांसदों के जो आरोप है उसे गलत बताती रही है। ऐसी स्थिति में आज छत्तीसगढ़ के तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन होगा, पुतला दहन होगा। और इससे पहले एक बात और ये होगी कि फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगी। 12 बजे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें दोनों ही नेता पहुंचकर अपनी बातें रखेंगी, और इसमें यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि कांग्रेस सदन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है लेकिन बीजेपी उन्हें कहने से रोक रही है। तो कुल मिलाकर ये एक सियासी घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में आज काफी सुर्खियों में रहने वाला है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए धीरेन्द्र।